तो वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस के हिसाब मांगने पर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस अपने 10 साल के कार्यकाल में यमुनानगर के 10 कार्य ही बता दे कि उन्होंने क्या किया है। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस ने केवल और केवल जनता के साथ भेदभाव कर जनता को लूटने का काम किया है। कांग्रेस राज में केवल एक ही तरफ के काम हुआ करते थे, विकास की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज पूरे प्रदेश में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के विकास हो रहे हैं। जिक्र करना चाहता हूं कि भाइयों, इनकी सरकार में क्या था, जिस प्रकार की लूट खसूट थी, आज भी ये उसी लूट खसूट का सपना देख रहे। भाइयों, सबसे बड़ा जो काम हमने किया वो काम है कि हमने विश्वास कायम करा। आप विचार करके देखो, जब आप गांव में बैठो थे ना, तो आप अपने आप यह बात कहोते कि हमारा काम नहीं होने का, यो तो एक खास इलाके का काम होगा। नौकरी के बारे में कहोते कि हमारे बच्चे ने नहीं मिलने की, भले इंटेलिजेंट है, ये तो खास इलाके के लोगों ने नौकरी मिलागी। लेकिन आज हमने एक विश्वास पैदा किया कि गरीब से गरीब आदमी भी बैठकर इस बात पे यकीन करता है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, चाहे एमएलए मेरी बात सुनो ना सुनो, मंत्री मेरी बात सुनो ना सुनो, लेकिन मेरे बच्चे की काबिलियत के हिसाब से मुझे नौकरी मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत मेरा नौकरी को खोस नहीं सकती, मुझे वो चीज मिलेगी। डेवलपमेंट के मामले में भी हर आदमी को यह पता है कि भाई जरूरत है